यदि आप मेन स्क्रीन पर HTPOS स्मार्ट का लोगो हटाकर अपना लोगो यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए सेटअप बटन पर क्लिक करें। इसके साथ तीसरे नंबर के पेज पर क्लिक करें। यहां सेटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें और इस सेटिंग ऑप्शन के बाद जनरल सेटिंग बटन पर क्लिक करें, जहां आप देखेंगे एक नया विंडो जनरल सेटिंग ओपन होता है। इस जनरल सेटिंग विंडो के लोगो सेटिंग में जाकर चेंज लोगो बटन पर क्लिक करें और कंप्यूटर की उस लोकेशन पर जहां पर आपने अपना लोगो रखा है उस लोगो को सेलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका सेलेक्ट किया हुआ लोगो HTPOS की लोगो की जगह पर दिखाई दे रहा है। इस लोगो को अपनी मेन स्क्रीन पर देखने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सिस्टम सेटिंग विंडो को क्लोज करें और आप यहां देख सकते हैं कि आपका लोगो इस समय HTPOS लोगो की जगह पर दिख रहा है और HTPOS स्मार्ट का लोगो टूल बार पर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप अपने इस लोगो को यहां से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए फिर सेटअप बटन पर क्लिक करें, तीसरे नंबर के पेज पर जाकर सेटिंग को सेलेक्ट करें और यहां सेटिंग में जनरल सेटिंग बटन पर क्लिक करें, जहां पर आप एक ऑप्शन देखते हैं रिमूव लोगो, जहां पर आप पर एक कंफर्मेशन मैसेज आता है क्या आप इस लोगो को हटाना चाहते हैं। आप यस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करेंगे आपका लोगो हटकर HTPOS स्मार्ट का लोगो दिखाई देगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करें। सिस्टम सेटिंग विंडो को क्लोज करते ही अब आप यहां देखेंगे कि इस समय HTPOS स्मार्ट का लोगो आपके लोगो की जगह पर दिखाई दे रहा है।